आईटीओ से भी तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके के हालात इस वक्त वहां पर है। बीजेपी मुख्यालय के घेराव की तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी। ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं से इस बात की अपील की गई थी कि वो जल्द से जल्द मुख्यालय पर पहुंचे और कई ऐसे रास्ते जो वहाँ की तरफ जाते हैं उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन इस बीच शाजिया सवाल यहाँ पर यह भी उठाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो गिरफ्तार हुए ही, लेकिन यहाँ पर उनके परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, कोई मिलने नहीं जा पा रहा है परिवार वालों से। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो जैस्मिन जी जिनकी आंखों से झूठ छलक छलक कर निकल रहा है, जो नई नई बातें कह रहे हैं, अभी कह रहे थे 500 रेड हुई हैं, अगली बार कहेंगे 5 लाख रेड हुई हैं। आप बताइए, 9 बार समन जब आता है तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है तो किस तरह से ईडी कार्रवाई करेगी। जब सी अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया के PS हैं, बाकायदा वो बताते हैं और प्रमाण देते हैं कि अरविंद केजरीवाल के नाक तले ये पूरी डील हुई है, तो उसको कैसे झुटला सकते हैं, उसको कैसा वेरिफिकेशन किया जा सकता है। और वो बात कर रहे थे कोर्ट तय करती है, अगर कोर्ट तय करती है तो कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल प्ली को सेशंस लेवल पर, हाई कोर्ट लेवल पर और सुप्रीम कोर्ट लेवल पर क्यों डिनाई किया, क्यों इनकार किया, उनकी क्यूरेटिव प्ली को क्यों डिसमिस किया, कल हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि इंटरिम रिलीफ नहीं मिल सकता। वो जानते थे केजरीवाल क्यों पकड़े जाएंगे, चोरी पकड़ी गई है, घबराहट हो रही है, घोटाला बड़ा हुआ है, पैसे की कमाई हुई है, खूब मुनाफाखोरी हुई है, जनता को बेवकूफ बनाया गया है और अब भगत सिंह बनने जा रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और क्या क्या झूठ निकाल रहे हैं। और अरविंदो फार्मा की बात कर रहे हैं, मैं इस पर उनके पास वापस आऊंगी, अगर उनका झूठ ही निकलेगा मैं बताऊंगी लोगों को। लेकिन अगर अरविंदो फार्मा ऐसी थी कंपनी तो शरद रेड्डी के साथ मिलकर आपने क्यों साठगांठ की, क्यों के कविता के साथ बैठकर, साउथ ग्रुप के साथ बैठकर आपने 31 जोन में से 9 जोन दिए, आप इसका जवाब बताइए। क्यों आपने फोन नष्ट करने की कोशिश की जिसमें विजय नायर ने बाकायदा बात की केजरीवाल से समीर महेंद्रू की, इसके जवाब है आपके पास? नहीं है। क्यों संजय सिंह को फौरन ले जाया गया? क्योंकि इस बात की तस्दीक हुई, इस बात का जवाब ले लेती हूँ। और जैस्मिन, जब आप ये बात कहते हैं कि 500 जगहों पर छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला, चवन्नी भर भी कुछ भी बरामद नहीं हुआ, तो क्या आपको कानूनी प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हर कोई रडार पर जांच की आया है और जांच कानूनी पहलुओं के तहत जिस तरीके से की जा रही है, आप उसी पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से आज देश का बच्चा बच्चा भी इसको संदेह नहीं है कि ईडी क्या एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है या भाजपा के मुख्यालय की एक पॉलिटिकल विंग है। जिस हिसाब से केवल विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, अशोक चव्हाण, नारायण राणे, सुवेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्वा शर्मा, लंबी लिस्ट है जो देश के सबसे करप्ट नेताओं के एलिगेशन भाजपा ने खुद लगाए। लेकिन जब ये शाजिया इल्मी जी की पार्टी की बात की, टॉपिक बदलिए, सारे साफ हो जाए। यही है, मुझे मत टोकिए, मैंने आपको नहीं टोका था। टॉपिक नहीं बदलिए भाई, सिविलिटी रखिए, सिविलिटी रखिए, आपके आपके झूठ का पर्दाफाश होते हुए ये मत, घोटाले का जवाब बात प्लीज खत्म करने दीजिए। मैं ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला अगर मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलने वाला। 2000 प्रतिमा जी, ये सही बात नहीं है, ये सही बात नहीं है कि आप हमें कंप्लीट करने में बुलाते और बोलने का मौका। नो 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 नो, पूरी करनी थी, इधर उधर ना घुमाओ। नहीं, जैस्मिन आपकी बात सुनी जा रही है, जवाब दो। ये गलत हुआ, बीच में इंटरवीन कर रही है, इंटरव्यू नहीं कर रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। अपने टाइम पे बोलिए, मैं अपने टाइम में बोलूंगा। बातें कर रहे हैं, गलत बात नहीं है। अगर अगर आप में क्षमता नहीं है सच सुनने की तो डिबेट में मत आइए शाजिया जी, जवाब दीजिए ना। झूठ बोलने भर की बात एक एक करके, एक एक करके उन्हें जवाब देने दीजिए। घोटाला क्यों किया, इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ऐसे ही धरने प्रदर्शन चलते रहे। इंकलाब जिंदाबाद, एक नए आदमी को अंदर डाला। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, डिटेन, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आप खुद देख सकते हैं किस तरफ है और मैं अकेला था, किस तरीके से उठाकर डाला है। और यही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को डाला है, उसे हर आम आदमी पार्टी के हर एक MLA को इस वक्त डिटेन किया जा रहा है। और हमारा कसूर ये है कि हमने एक चौथी फेल राजा को बोला कि तुम चौथी फेल राजा हो, अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे थे संदीप जी, एक बड़े प्रोटेस्ट की आपके यहाँ तैयारी थी, लेकिन आसपास कार्यकर्ताओं को इकट्ठा नहीं होने दिया, क्या तैयारी है बाकी? देखिए,
जनता खुद प्रोटेस्ट कर रही है, हर घर में प्रोटेस्ट हो रहा है, केजरीवाल हर घर में है। तो अगर ये सोचो कि कितने लोग इकट्ठे हुए, उससे अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं तो आप गलत रीड कर रहे हैं केजरीवाल को। ये प्रोटेस्ट को नाकाम करने के लिए सारे लीडरों के घर पे रात से ही पुलिस भेज दी है, हर गली मोहल्ले चौराहे में जहां से आ सकते हैं आम आदमी पार्टी उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई है, मेट्रो स्टेशन की एक्टिविटीज इन्होंने सस्पेंड कर रखी है। मैं खुद कई किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ फिर भी हजारों की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, संविधान के खिलाफ है और अलोकतांत्रिक तरीके से जो ये गिरफ्तारी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद भी इन्होंने दिल्ली के चुने हुए सीएम को गिरफ्तार किया है। और जब जब मोदी जी के ऊपर इस तरह की विपदा आती है, उन्हें लग रहा था कि वो सांसद का चुनाव हार रहे दिल्ली में, तो इस वजह से उन्होंने हमारे सीएम केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की है। और देखिए देखिए मैं संगम विधानसभा से क्या कहना है, मैं ये कहना चाहती हूँ सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, और मोदी इनको केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता चाहे कितनी सलाखों में डाल। ईडी ने जब बुलाया था तो ईडी ने 9 बार बुलाया, क्यों नहीं गए केजरीवाल? देखिए ईडी सम्मन भेजे, ईडी एक ऐसी संस्था है जिसे बीजेपी चला रही है, सम्मन भेजे गए अलोकतांत्रिक तरीके से सम्मन भेजे गए, जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनका कोई मायने नहीं था, इसी वजह से केजरीवाल जी ने कहा कि भाई ये सम्मन गलत है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि सड़क से लेकर कोर्ट तक का वो रुख करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध भी लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इस वक्त आईटीओ पर ही मौजूद है, जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जितेंद्र भाटी का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूँगी। जितेंद्र बताइए इस वक्त किस तरीके की हलचल आप वहाँ देख रहे हैं, क्या हालात वहाँ पर? ये देखिए कार्यकर्ताओं को ऐसे लेकर नहीं चलेगी इस तरीके से बसेस में यहाँ पर भर के लेके जा रहे हैं, क्योंकि धारा 144 जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई है और लोगों के यहाँ पर इकट्ठा होने पे पाबंदी है। इसके बावजूद जब आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए तो उनको इस तरीके से भर भर के लिया जा रहा है। गुल साहब आपको डिटेन किया गया आपके सामने, क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे? कोई भी जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। अच्छा सबसे बड़ा सवाल, आपकी सरकार कैसे चलेगी, आप इसमें विधायक हैं? सरकार तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, थे हैं और रहेंगे। सरकार जेल से चलेगी, हमने पहले भी सर्वे करवाया था 3 महीने से, जनता ने कहा कि आपने इस्तीफा देना नहीं है, हम आपके साथ हैं, ये चाहे जो मर्जी कर लें लेकिन हम आपके साथ हैं और रहेंगे। ये जितनी तानाशाही कर लें, ये भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, सारे भ्रष्टाचारी शामिल कर लिए भारतीय जनता पार्टी ने, एक एक चुनके कर लिया और इतने बड़े बड़े स्कैंडल आ रहे हैं। सबसे बड़ा स्कैंडल तो आ रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसके ऊपर पूरे तथ्य खुल के आ रहे हैं। अच्छा एक सवाल मैं आपसे, कोर्ट से आपको राहत मिली नहीं, सड़क पे आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे, आगे करेंगे क्या? आगे जैसे पार्टी का आदेश होगा, सड़कों पर लोगों के घरों में जो भी जनता, आप खुद लड़ेंगे, ये जनता की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल तो एक इंसान थोड़ी है, एक सोच है, एक विचार है, और ये विचार अब पूरे देश में एक अरविंद गिरफ्तार करोगे। बिल्कुल जी, और बड़ी खबर इस बीच ये भी थी कि जब हमारी सहयोगी अंजू बात कर रही थी कि आगे कोर्ट में रुख करते हुए सीधे उनसे वकील की मुलाकात, परिवार से मुलाकात, और साथ ही महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से कोर्ट का रुख करते हुए इस तमाम पहलुओं पर भी विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी कोर्ट का रुख करेगी।